कभी घोर नक्सल प्रभावित जिला रहे सुकमा की तस्वीर धीरे धीरे बदलती भी जा रही है। यही वजह है कि मड़िया रास गांव का एक छात्र गंगा डॉक्टर बनने जा रहा है। सुकमा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर मड़िया रास गांव में जहां मुरिया जाति के 40 घरों की बस्ती है, यहां पर रहने वाला गंगा MBBS की पढ़ाई करने जा रहा है। अनपढ़ माता पिता की संतान गंगा ने पोटा केबिन मुनगा में 5वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उसका चयन नवोदय विद्यालय में हो गया। यहां से उसने 12वीं पास की। नवोदय विद्यालय की मदद से ही गंगा ने नीट की कोचिंग भी की और नीट परीक्षा में 720 में से 522 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन बेहद गरीब परिवार से आने वाले गंगा के पास MBBS में दाखिले की फीस नहीं थी। स्थानीय छात्र नेता महेश कुंजाम गंगा को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे, मदद की गुहार लगाई गई। कलेक्टर ने उनकी फीस की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। स्कॉलरशिप समेत हर संभव मदद दिलाने का भरोसा उनकी तरफ से। अब गंगा रायपुर नेहरू मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने जाएगा। और अपने घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय, मतलब स्थिति बहुत खराब है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाते थे पहले जमाने में। बट अब जमाना बदल रहा है तो धीरे धीरे लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो नीट में मेरा 522 मार्क्स आए, जो कि मेरे लिए मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतना अच्छा खासा मार्क्स लेना। तो इतना मतलब अच्छा खासा मार्क्स लेना तो अपने इस मतलब ऐसे कंडीशन में लेना बहुत 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 कठिन काम है। जी सर, ये बात सही है सर कि मैं एडमिशन ले भी नहीं पा रहा था। अगर मेरे साथ अगर महेश कुंजाम सर अगर मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं उस वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच नहीं पाता और मैं MBBS करने से वंचित रह जाता। हम कलेक्टर साहब से मिले तो वो बोले ठीक है, हम एडमिशन फी के लिए दे देंगे, फीस स्ट्रक्चर मतलब ला के दे देना, हम दे देंगे बोल के। तो ऐसे सर ने जैसे बताए थे वैसे कर दिया और एडमिशन हो गया सर। एडमिशन के लिए और पढ़ाई के लिए सपोर्ट मांगा है हमने, उनको आश्वस्त किए कि हमारा जिला प्रशासन से उनको आने वाले समय में भी जो भी मेडिकल एजुकेशन संबंधित उनका सपोर्ट रहेगा उसको हम देने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो उनको स्कॉलरशिप तो मिलेगा, उसके अतिरिक्त तो उनका जो भी सपोर्ट चाहिए उसको करने के लिए जिला प्रशासन ने हमने उनको कमिटमेंट दिया, उसी बेसिस में हम। इधर धमतरी के बेलर गाँव में पिछले 7 साल से बना स्टेडियम इस्तेमाल में नहीं।